यहाँ मौजूद मेरे बड़े भाई सांसद और स्पोक्सपर्सन श्री जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मीडिया के तमाम मित्रों, वाकई करप्शन कांग्रेस पार्टी का कोर एजेंडा रहा है। जिस प्रकार की गतिविधियाँ कांग्रेस की रही है, हम अगर सुबह से शाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तमाम प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर भी कांग्रेस की गाथाएं समाप्त नहीं होगी। इसलिए आज दो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं। आज 6 फरवरी है और हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी के जीजा जी जो बेल पे बाहर हैं, वैसे तो राहुल गांधी जी भी स्वयं बेल पे बाहर हैं, आज वो ईडी के सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। उस विषय में कुछ बड़े खुलासे आज हम आपके सामने करेंगे जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दहला के रख देगी। आज सुबह जब हम जगे, टीवी ऑन किया हमने, तो हमने देखा दो अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने। दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर हैं। 5,000 करोड़ रुपए गबन करके नेशनल हेराल्ड केस में और 600 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नहीं भर के राहुल गांधी जी अपराधी नंबर 1, और उसी पोस्टर में अपराधी नंबर 2 जो आज पेशी जिनकी हो रही है ईडी के सामने, रॉबर्ट वाड्रा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, काले पैसे के गोरख धंधे में ईडी के सामने आ रहे हैं। किकबैक्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ये एक सेंट्रल थीम है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है, जो किकबैक्स आपको डील्स के माध्यम से दलाली करके रॉबर्ट वाड्रा को मिला, उस दलाली के पैसे से रॉबर्ट वाड्रा ने कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदी है। दो तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए दो सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टीज खरीदी है। तो आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, बकायदा सबूत देके, मुझे याद है हमने फोटो भी दिखाया था, कि लंदन में एक प्रॉपर्टी थी रॉबर्ट वाड्रा की जो अभी इश्यू चल रहा है ईडी में, 12 ब्रांटन स्क्वायर वाला। मगर गॉन आर दोज डेज व्हेन मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा पोजेस्ड ओनली 1 प्रॉपर्टी इन लंदन। नाउ द इश्यू ऑफ कंटेंशन ओवर हियर that the ED is looking into and that in fact is out in the public domain today because of various media reports are 8 properties in London. London ke andar 8 properties. Ek to 1.9 million pounds ka, lagbhag 19 crore rupaye ka ek mansion hai. Dusra usse bhi mehenga hai, 4 million pounds ka. Teesra usse bhi mehenga hai, 5 million pounds ka. Aur 6 flats. आप सोचिए, 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। उसी विषय को लेकर आज वो ईडी में जा रहे हैं। देखिए, एक पेट्रोलियम डील साइन हुआ था यूपीए 1 के समय 2009 में। इस डील का जो किकबैक मिला है और जो खुलासे अभी हो रहे हैं, वो किकबैक्स गए हैं एक कंपनी को जिस कंपनी का नाम है सिंटैक इंटरनेशनल। और ये कंपनी, आपको जान के आश्चर्य होगा बंधुओं, ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के दाहिने हाथ और आर्म्स डीलर संजय भंडारी की है। इसी सिंटैक कंपनी ने जब पेट्रोलियम डील से 1.9 मिलियन पाउंड की फ्लैट खरीदी, तो ये किकबैक इसी पेट्रोलियम डील से आया था। इस सिंटैक कंपनी ने ये पूरा मैंशन, जो ब्रांटन स्क्वायर वाला मैंशन है, वो खरीदा वॉर्टेक्स कंपनी से। वॉर्टेक्स कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया गया स्काईलाइट FZE नामक कंपनी को, और इस पूरे प्रकरण में द मैन हु वॉज सेंट्रल टू द होल प्रोसीजर, जिसने मैंशन परचेज किया एक तरह से, वो दुबई बेस्ड बिजनेसमैन का नाम है सी सी थम्पी। थ्रू अ कंपनी कॉल्ड स्काईलाइट FZE, द कंपनी हैज अकाउंट इन शारजा
एंड यू वुड बी एस्टॉनिश्ड, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो सीसी थंपी हैं जो रॉबर्ट वाड्रा के लिए, संजय भंडारी के लिए काम कर रहे थे, ये सीसी थंपी का ईडी अर्थात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी 1,000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में। 1,000 करोड़ रुपए के फेमा वायलेशन केस में इसका जांच हो रहा था और यह व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी व स्काईलाइट एफजेडडी व मनोज अरोड़ा, संजय भंडारी, इन सब के कॉकस में काम करता हुआ किस प्रकार रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाया जा सके उसमें लगा हुआ था। बंधुओं, कई अखबारों में भी छपा है मगर आज हम तथ्यात्मक ढंग से कह सकते हैं कि मंथ्स आफ्टर द पेट्रोलियम डील वॉज ओकेड इन 2009, मनी वॉज ट्रांसफर्ड इन टू द अकाउंट ऑफ स्काईलाइट। डायरेक्टली उस पेट्रोलियम डील का मनी स्काईलाइट के अकाउंट में गया एंड इट वॉज इन दिरहम्स, जो दुबई की करेंसी है उसमें गया। अप्रैल 2010 में यह पैसा स्काईलाइट के अकाउंट में गया है। आज ये जो पूछताछ भी हो रही है और जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हम राउंड ट्रिपिंग की बात करते हैं, काले पैसे को, ब्लैक मनी को सफेद करने की जो प्रक्रिया है जिसको राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, वो सिंटेक कंपनी के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने अपने किकबैक पैसे को एक राउंड ट्रिपिंग कराया है। एक और प्रॉपर्टी है जिसके विषय में आज तक जिक्र नहीं हुआ है। इन द हश हश वॉइसेस पीपल हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट, बट टुडे फ्रॉम दिस हाई डाइस वी वुड लाइक टू कीप दिस प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी वुड लाइक टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। देयर इज अ प्रॉपर्टी इन द मालचा मार्ग, यू नो इन दिल्ली देयर इज अ प्लेस व्हिच इज अ हाई सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक एनक्लेव, मालचा मार्ग। देयर इज अ प्रॉपर्टी इन मालचा मार्ग व्हिच इज ओन्ड बाय वन जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा कौन है? वो रॉबर्ट वाड्रा के स्पेशल मित्र हैं, ही इज अ स्पेशल एड ऑफ रॉबर्ट वाड्रा। जगदीश शर्मा जी से भी पूछताछ हो रही है और ये प्रॉपर्टी जगदीश शर्मा जी के पास ही थी, जिसको बेनामी हम कहते हैं उनके पास थी। मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा अभी करने वाला हूं कि ये जो मालचा मार्ग वाली प्रॉपर्टी है, इसको 2008-09 में बेच दिया गया। उससे पहले वो रॉबर्ट वाड्रा जी के, जगदीश शर्मा जी के पास था, उसे बेचा गया। और आप जानते हैं किसको बेचा गया? उसे बेचा गया MRMGF को, MRMGF कंपनी को, MRMGF कंपनी को बेचा गया। और आप जानते हैं MRMGF कंपनी का उस समय 2008-09 में डायरेक्टर कौन था? MRMGF कंपनी का डायरेक्टर 2008-09 में गुइडो हैशके था। एंड गुइडो हैशके रिफ्रेशेस मेनी ऑफ आर मेमोरीज रिलेटिंग टू द 600 करोड़ रुपीज ऑगस्टा वेस्टलैंड केस। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जो किकबैक्स आए थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में जो पूरी ये डीलिंग हुई थी, उस समय गुइडो हैशके वॉज अ सेंट्रल फिगर। ही वॉज इवन अरेस्टेड इफ यू वुड रिमेंबर। सो ही हिज कंपनी व्हेन ही वॉज द डायरेक्टर, ही वॉज द मैन हु परचेस्ड इट फ्रॉम मिस्टर वाड्राज एड, मिस्टर जगदीश शर्मा। नाउ आई टॉक्ड अबाउट द पेट्रोलियम डील। आई टोल्ड दैट देयर वर टू फॉर्म्स ऑफ किकबैक। वन किकबैक वॉज फ्रॉम पेट्रोलियम डील और दूसरा किकबैक जो है ये डिफेंस से था। बाय द वे, बिफोर आई गो टू द डिफेंस विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू शो यू अ फ्यू थिंग्स। नंबर एक, हमने कहा था कि बहुत सारे ईमेल, हम ये जो प्रॉपर्टी 12 ब्रांटन स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ एसोसिएटेड है, हमें कैसे मालूम पड़ा? हमें यूं मालूम पड़ा क्योंकि सुमित चड्डा, जो कि भंडारी जी के खास रिलेटिव है लंदन में, मनोज अरोड़ा जो कि गिरफ्तार भी हुए हैं अभी, वो भी बेल पे बाहर हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी के खास हैं, इनका एक ईमेल चलता था एग्जिम रियल एस्टेट का। और इस ईमेल के माध्यम से जो रिफर्बिशिंग, लंदन की प्रॉपर्टी को रिफर्बिशिंग, फर्नीचरिंग करने के लिए £35,000 £35,000 का रिफर्बिशिंग हुआ था, ये एक ईमेल है, मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एलर्टन हाउस, उसके विषय में पूरा लिखा गया है सुमित चड्डा द्वारा, जो कि रिलेटिव हैं संजय भंडारी के, काफी क्लोज है रॉबर्ट वाड्रा के। ये हाउस प्लान्स आप देख सकते हैं, मैं आपको बेसमेंट का प्लान दिखा रहा हूं। ये रॉबर्ट वाड्रा जी का जो 12 ब्रांटन स्क्वायर का घर है 19 करोड़ का, अब तो 8-9 प्रॉपर्टी हो गई है, ये तो एक प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूं, उसके बेसमेंट का रिफर्बिशिंग प्लान है कि किस किस प्रकार से सारे ऐशो आराम से लैस करना है, ये एक प्रॉपर्टी प्लान है।
जो कि उसी ईमेल में आया। ये बेसमेंट था, अब ये ग्राउंड फ्लोर है। ये जो करप्शन के फाउंडेशन के ऊपर बेसमेंट और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर खड़े हैं, दिस इज व्हाट द रियल स्टोरी ऑफ कांग्रेस इज ऑल अबाउट। बट नाउ कमिंग इन वेरी शॉर्ट अबाउट द डिफेंस डील विच वुड ओपन मोस्ट ऑफ आवर आईज। सो वी ऑल नो ऑफ अ कंपनी कॉल एज ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस, ओआईएस। ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशन किसकी कंपनी है? वही संजय भंडारी की कंपनी है। ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस ने क्या किया? ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस ये दलाली करती थी, जितने भी आर्म्स डील इंडिया में यूपीए के समय होते थे उसमें दलाली करती थी, किकबैक लेती थी। बंधुओं आपको यह भी पता है कि 9 जनवरी 2018 को संजय भंडारी जी के घर से, जो कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कुछ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर कुछ कागज मिले थे और वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थे और वो डिफेंस के जो कागज थे दे वर प्रपोजल टू बाय द मिड एयर रिफ्यूएलर्स। द मिड एयर रिफ्यूएलर्स के जो कागज थे जो मिनिस्ट्री में होने चाहिए थे वो संजय भंडारी के घर में मिले थे। यह भी बात चल रही थी उस समय, मीडिया में छपा भी था कि शायद रफेल के कागज भी कुछ उसके घर से, क्योंकि दसौ कंपनी को भी अप्रोच किया था संजय भंडारी की ऑफसेट ने, जो ओआईएस कंपनी है, तो उसके कागज भी मिले थे। और तो और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखे गए थे वो सब संजय भंडारी के घर से मिले थे। और संजय भंडारे की कंपनी को सीबीआई प्रोब कर रही थी पिलाटस एयरक्राफ्ट डील के लिए। बंधुओं ये इतना जटिल है, मगर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन सारे जो आर्म्स डीलिंग थी जिसके कागज संजय भंडारी के घर से मिल रहे थे, मनोज अरोड़ा जो अभी अरेस्ट हुआ था, जो मिडलमैन के रूप में एक्ट कर रहा था, ये सारे किकबैक्स अंततो गत्वा ये रॉबर्ट वाड्रा के पास जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल करके लंदन में प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी वो खरीद रहे थे। बंधुओं आप यह भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरी किकबैक्स रही है स्विट्जरलैंड के पिलाटस को फायदा पहुंचाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा की पूरी कायनात ने जो मदद की है, रॉबर्ट वाड्रा के मित्र संजय भंडारी, मनोज अरोड़ा ने जो मदद की है, इसके भी प्रूफ हैं। कैसे? वैसे आज तो सारी पूछताछ होगी, मगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में कभी ना कभी आए हैं। अगस्त 2012 को भंडारी ट्रैवल एजेंट इंटरनेशनल ऑपरेटिंग फ्रॉम सूट नंबर 112 होटल सत्यम ने दो मेल भेजे भंडारी को और ट्रैवल टिकट्स वर्थ ₹8 लाख फॉर वाड्रा फॉर एन एमिरेट्स फ्लाइट। और ये मेल भेजे गए थे अगस्त 7 तारीख को। वाड्रा ट्रैवल करते हैं 13 अगस्त 2012 को। कहां जाते हैं? वे स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहीं जहां की पिलाटस की पूरी डीलिंग हुई है। पिलाटस इज अ कंपनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो आप देखेंगे पूरा ट्रेल हमारे पास है। 17 अगस्त 2012 को एक मेल भेजा जाता है, वाड्रा स्विस फ्लाइट में फिर जाते हैं, ज्यूरिख जाते हैं, और ज्यूरिख जाके वो जिस प्रकार से वहां पुनः इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ये हमने सब देखा है। और आज इन्हीं किकबैक्स के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने प्रॉपर्टी खरीदी और उसका नतीजा है कि उन्हें आज ईडी के सामने आना पड़ रहा है। पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा था, मुझे लगता है उसका जवाब आज तक नहीं मिला। हमने पिछली बार एक अकाउंट नंबर भी बताया था और यह भी कहा था कि अकाउंट नंबर किसका है, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। द क्वेश्चन दैट वी वॉन्ट टू आस्क टूडे टू मिस्टर राहुल गांधी या दस। नंबर वन, मिस्टर राहुल गांधी, दो यू आर योरसेल्फ आउट ऑन बेल, आप खुद बेल पे बाहर हैं, आपके जीजा जी भी अब बेल पे बाहर हैं, क्या आप सीसी थंपी को जानते हैं? ये सीसी थंपी कौन है? क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, राहुल जी आप ये बताइए कि ये जो कंपनी है जिसका नाम है सिंटैक इंटरनेशनल, इससे आपके जीजा जी का क्या लेना देना है सिंटैक इंटरनेशनल से? राहुल जी तीसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम डील 2009 का किकबैक किसके अकाउंट में गया था, इसका उत्तर कौन देगा, आप देंगे या आपके जीजा जी देंगे? राहुल जी लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिकॉज एज राइटली पॉइंटेड आउट ऑफ्टन बाय मिस्टर जेटली, यू पार्टिसिपेट इन किंडरगार्टन डिबेट्स, कितनी प्रॉपर्टी आपकी जीजा जी की, बेल पे बाहर जीजा जी की कितनी प्रॉपर्टी लंदन में है? 5, 6, 7, 8। दीज आर नॉट फन स्टोरीज फ्रेंड्स, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इश्यूज। वाइल पीपल इन दिस कंट्री वे फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, दिस वॉज द डूइंग ऑफ द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी। दे वर सर्पिंग property after property in a foreign location,
दे वर लूटिंग द कंट्री थ्रू वेरियस किकबैक्स, ये देश को लूट रहे थे किकबैक्स के माध्यम से, ये देश को बर्बाद कर रहे थे। आज हम इस बेल फैमिली से, जिस परिवार के तमाम लोग बेल पे बाहर हैं, ये चार सवाल जो हमने पूछा है उसका जवाब चाहते हैं कि इसका जवाब ये बेल परिवार यथाशीघ्र दे। और जो पोस्टर लगा हुआ है उनके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर, आप अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, जिनको ईडी पूछताछ कर रही है उन अपराधियों के पोस्टर आप लगाते हैं, धिक्कार है। 2019 की लड़ाई भ्रष्टाचारियों बनाम मोदी की है, 2019 की लड़ाई द गैंग ऑफ कोरप्ट वर्सेस ट्रांसपेरेंसी रिप्रेजेंटेड बाय मोदी जी की है, एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अल्टीमेटली द ट्रुथ विच ट्रायम्स, ट्रांसपेरेंसी विच ट्रायम्स। थैंक यू फ्रेंड्स। द सेकेंड इश्यू, द सागा ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज अबाउट करप्शन एंड कू। I spoke about corruption and my good friend Mr. G.V.L. Narasimha Rao will speak about the coup. हाँ, इसका सवाल ले लीजिए। डॉक्टर पात्रा से आप कोई सवाल करना चाहते हो? वो जो सिंटेक इंटरनेशनल कंपनी है, क्या उसे जानते हैं? ये सवाल था, वो किसका है? नहीं, पोस्टर हटाने से अपराध कम नहीं होता है, पोस्टर हटाने से अपराध कम नहीं होता है। और कांग्रेस की प्रथम फैमिली बेल फैमिली है, इसका पोस्टर हर हिंदुस्तानी के दिल पे चिपक गया है। हर हिंदुस्तानी आज जानता है कि इस परिवार ने गरीबी हटाओ के नाम पर केवल और केवल अपनी गरीबी हटाई है। एक रोडपति कुछ वर्षों में करोड़पति कैसे बन गया, इसका उत्तर कौन देगा? ये जो रॉबर्ट वाड्रा रोडपति था, 1,00,000 रुपए इसके पास कंपनी खोलने के लिए नहीं थी। आज पूरे विश्व में इसके फ्लैट बने हुए हैं, ये कहां से फ्लैट बने रॉबर्ट वाड्रा के? कौन देगा इसका जवाब? ये लोग हाथ पकड़ पकड़ कर राजनीति करने की नाटक करते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है। ममता बोल रही है अरविंद केजरीवाल को, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तू मुझे बचा। अखिलेश बोल रहे हैं मायावती जी को, मैं आपको बचाऊंगी, आप मुझे बचाओ। और यही हो रहा है राहुल और कंपनी के साथ, एक दूसरे को सब बचाने में लगे हुए हैं, सब बेल पे बाहर है, सब भ्रष्टाचारी है। सी, एज फार एज द पोस्टर्स एंड देयर रिमूवल इन द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, द कांग्रेस पार्टी टुडे आफ्टर हैविंग बीन कॉट रेड हैंडेड पुटिंग पोस्टर्स ऑफ मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा आउटसाइड द ऑफिस, दे आर ट्राइंग टू रिमूव इट, बट एवरी इंडियन टुडे हैज द पोस्टर ऑफ द बेल फैमिली इन देयर हार्ट। दे नो वेरी वेल दैट दिस करप्ट फैमिली, एवरी मेंबर ऑफ whose is out on bail, this is something which every Indian recognizes today, knows today. So it is a battle between the corrupt and the ones who are fighting against corruption, that is Mr. Modi. And of course, I would remind, even in English, that the question to Mr. Robert Wadra is, what is the formula for transformation from a roadpati to crorepati? You were on road in the sense that you didn't even have 1,00,000 rupees to start your business. If you would remember, that was the amount which was the starting amount for Skylight Hospitality, 1,00,000 rupees. Roadpati se karodpati tak ka ye safar kaise tay hua? Yes, sir. पहले वो एफिडेविट दे दें कि वो सच्चे हैं, जेल के अंदर बैठे हुए हैं चारा खा के, उनके पिताश्री आदरणीय राहुल लालू जी खुद वहां बेल पे घूम रहे हैं IRCTC केस में, सारे जो बेल के हैं वो दूसरों से एफिडेविट चाहते हैं, वो पहले अपना एफिडेविट दे कि वो क्यों आखिरकार हिंदुस्तान की राजनीति में बने हुए हैं इतने सारे भ्रष्टाचार करने के बाद। देखिए, इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, प्रियंका जी बनी उनकी जनरल सेक्रेटरी, एक नॉन इवेंट है, इसको हम महत्व नहीं देते हैं। मगर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े यूरोपियन अखबार ने एक हेडलाइन छापा था, वो हेडलाइन था कि राजीव गांधी जी इज डॉटर जॉइंस द फैमिली फर्म। तो ये उनके फैमिली का फर्म है, उसमें कौन बनेगा फैमिली के लोग, उसमें हमारा क्या है?